अल्लाह स्टूडेंट्स क्या हाल चाल हैं सबके उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे वेलकम टू माय चैनल डॉक्टर बायोलॉजी तो जैसे कि आप लोगों को पता है कि लास्ट टाइम जब हमने टॉपिक डिस्कस किया था उसका नाम था सब अटामिक एंड लेवल यानी कि सब अटामिक और अटौमिक लेवल तो इसी तरह से हम अपने लेक्चर को आगे बढ़ाते हुए आज का नया लेक्चर शुरू करते हैं जिसका नाम है मालिक्यूलर लेवल लेक्चर को आगे बढ़ाने से पहले मैं आप लोगों से गुजारिश करता चलता हूँ कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल बेल आइकन को भी दबा लें ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो आप तक भर वक़्त पहुँच सके तो चलिए बढ़ते हैं अपने लेक्चर की तरफ आज जो हमने लेक्चर स्टार्ट करना है उसका नाम है मालिक्युलर लेवल यानी मालिक्यूलर लेवल तो चलिए जो है इसको आगे से डिबेट इसकी करते हैं मालिकुलर मालिकुलर लेवल दरअसल ये एक ऐसा लेवल है जो कि बायो मालिक्यूल्स के बाद आता है बायो मालिक्यूल्स के मिलने से अगर कोई पार्टिकल बनता है तो वो बनता है मालिक्यूल या मालिक्यूल बायो मालिक्यूल इनको कह सकते हैं हमने देखा था कि सब सब अटामिक पार्टिकल के अंदर जो है वो छोटे छोटे पार्ट जो है फंडामेंटल पार्टिकल्स होते हैं सब एटम के जो आपस में मिलकर जो है एक मुकम्मल एटम बना देते हैं वो बहुत से एटम जब एक जगह पर रहते हैं एक जगह पर तो वो एलिमेंट्स बना देते हैं इस तरह से जो है ये एक फर्ज करें कि ये आपके पास एक एलिमेंट हो गया लेकिन अगर ये एक एलिमेंट जानदारों का जिस्म बना रहा है यानी कि जो है वो ऑर्गेनिजम्स लिविंग थिंग्स के अंदर पाया जा रहा है तो ये एलिमेंट बायो एलिमेंट कहलाएगा इसको हमने लास्ट टाइम जो है वो एक्सप्लेनेशन में देख लिया था तो अगर ये बायो एलिमेंट है तो एक एलिमेंट बायो एलिमेंट है ये हमारे पास इसी तरह के अगर बहुत से एक जगह पर ही पाए जा रहे हैं यानी कि एक ही जगह पर पाए जा रहे हैं और वो आपस में मखसूस कुतों के साथ जुड़े हुए हैं उन कुवतों को हम नाम देते हैं बांड्स का ठीक है जी इस तरह से अब ये बांड्स कोविलट भी हो सकते हैं और आयोनिक भी हो सकते हैं ये आयोनिक बांड। इंग्लिश में इस तरह से कहेंगे आयोनिक या फिर कोवेलेंट दरअसल ये वाली कुवतें हैं जो एलिमेंट्स को आप, बायो एलिमेंट्स को आपस में जोड़ कर रखती हैं और तो हम ये बायो मालिक्यूल्स की जो है वो इसको मालिक्यूल्स को बायो मालिक्यूल्स भी कहेंगे अगर मालिक्यूल जानदारों में पाए जा रहे हैं तो उनको बायो मालिक्यूल्स ही कहेंगे तो बेसिकली हम बायो के अंदर पढ़ते ही जानदारों के मुतलिक हैं तो इसीलिए हम इनको बायो मालिक्यूल्स भी कह रहे हैं जानदारों के अंदर पाए जाने वाले मालिक्यूल्स तो कहता है कि अगर बहुत से बायो एलिमेंट्स आपस में एक जगह पर रह रहे हैं यानी कि दो या दो से ज्यादा बायो एलिमेंट्स आयोनिक या कोविलट बांट की मदद से जुड़कर एक जगह पर रह रहे हैं तो उनको हम बायो मालिक्यूल्स कह रहे होते हैं ठीक है जी या उनको मालिक्यूल कह रहे हैं आप इनको मालिक्यूल भी कह सकते हैं ये थी इसकी बेसिकली डेफिनेशन या इसके बारे में कॉन्सेप्ट तो चलिए अपने जो है वो इसको मज़ीद आगे बढ़ाते हैं तो एक जानदार सैकड़ों आम के बेशुमार बायोमालिक्यूल्स का बना होता है तो जैसे आपको पता है कि एक छोटा सा जानद सेल होता है जो इसको हम आम आंख से भी नहीं देख सकते हैं हम माइक्रोस्कोप का कर यूज करते हैं तो ये इससे थोड़ा सा बड़ा होता है लेकिन फिर भी हम इसको नहीं देख सकते हम जो है वो आगे से मजीद इसको जो है वो जोड़कर बड़ी बड़ी साखते बनाते हैं वो बड़ी साखते मजीद आती हैं ऑर्गन या टिश्यू के ऊपर आके रुकती हैं ना जब तो वो हमें नजर आना शुरू होते हैं फिर हम उनको नेक्ट आई से देख सकते हैं यानी कि अपनी नंगी आँख से देख सकते हैं इसकी आगे से मजीद अगर देखा जाए तो दो टाइप्स हैं ठीक है जी इसकी आगे से टाइप्स दो हैं यानी कि इसकी अकसाम एक होते हैं माइक्रो मालिक्यूल्स, मालिक्यूल Molecule. दूसरे हैं मैक्रो मालिक्यूल अगर इंग्लिश में बात की जाए तो वो इस तरह से होंगे माइक्रो मालिक्यूल और मैक्रो मालिक्यूल जी मतलब जैसे आपको नजर आ रहा है वाजह तौर पे लफ्ज़ लिखा हुआ है माइक्रो और इधर लिखा हुआ है मैक्रो तो मैं आपको ये इन दोनों के दरम्यान फ़र्क वाज करता चलता हूं कि माइक्रो का मतलब होता है बहुत ही छोटा और मैक्रो का मतलब होता है कि उससे थोड़ा सा बड़ा ठीक है मैं आपको अगर बताता चलूं कि माइक्रो जो है इसके अंदर वो वाली चीज़ें भी शामिल हो जाती हैं जिनको हम आम आंख से नहीं देख सकते और मैक्रो की अगर बात करें तो मैक्रो वो वाली चीज़ें इसमें आ जाती हैं शामिल हो सकती हैं जिनको हम आम आम से देख सकते हैं तो वो वाले मालिक्यूल्स कह लें हम कि वो वाले बायो मालिक्यूल्स या मालिक्यूल्स जिनका मालिकुलर वेट जिनका वज़न जो है वो कम होता है वो होते हैं माइक्रो मालिक्यूल्स इसकी आप मिसालें अगर देना चाहें या लेना चाहें तो वो हो जाती हैं ग्लूकोज पानी वगैरह ठीक है वगैरह वगैरह सारी इसमें आ जाती हैं यानी कि इनके जो मालिक्यूल्स हैं नहीं ऐसे नहीं है कि ग्लूकोज सारा का सारा माइक्रो मालिक्यूल नहीं या पानी सारा सारा माइक्रो नहीं ऐसा नहीं उनके अंदर जो पाए जाने वाले छोटे छोटे जो है वो बायो एलिमेंट्स मिलकर मालिक्यूल्स बना रहे हैं वो वाले उनके मालिक्यूल्स की बात कर रहे हैं वो बहुत छोटे होते हैं वो आपस में मिलते हैं तो फिर ज्यादा मकदार में बनती है उनकी जो है वो रेशो अब बात करते हैं मैक्रो की मैक्रो मालिक्यूल्स ऐसे मालिक्यूल होते हैं जो होते हैं जिनका वजन यानी कि मालिक्यूलर वेट ज्यादा होता है अब इसकी मिसालों में आ जाता है आपके पास निशास्ता जिसको हम स्टार्च कहते हैं जिनको स्टार्च कहते हैं इसी तरह से प्रोटीन्स आ जाती हैं प्रोटीन्स के मॉलिक्यूल्स लिपर्स वगैरह जो हैं वो मैक्रो मालिक्यूल्स के अंदर आ जाते हैं वो मैक्रो मालिक्यूल्स की मिसालें हैं आपके पास मजीद तो अगर वीडियो पसंद आई है आपको तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा मिलते हैं अगली वीडियो तक तब तक के लिए अल्लाह हाफिज